बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अजीज अल्लाह, आज दूसरा लेक्चर है बायोलॉजी का और चैप्टर नंबर हमारे पास है जी चैप्टर नंबर ए। उसमें आज टॉपिक है कि कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन फूड। ये देखिए जी, कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन फूड। अब कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन फूड से मतलब क्या है? हमें पता है कि फूड जो होती है उसकी ऑक्सीडेशन होती है। फूड है उसकी ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और ऑक्सीडेशन के बाद क्या चीज पैदा होती है? ऑक्सीडेशन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और एनर्जी पैदा होती है। एनर्जी पैदा होती है और ये जो एनर्जी है हम मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज है उस एक्टिविटीज के अंदर हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। एक्टिविटीज है एक्टिविटीज के अंदर इसको हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और एनर्जी को एक्टिविटीज इस्तेमाल करके यूज करते हैं। अब जो कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन फूड है, कंपोनेंट में कौन कौन सी चीजें शामिल है? कंपोनेंट के अंदर हम लोग जो चीज खाते हैं वो सबसे ज्यादा वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, लिपिड्स के बाद प्रोटीन, प्रोटीन, प्रोटीन के बाद विटामिन्स, विटामिन्स, ये सारी जो चीजें हैं वो कंपोनेंट्स में आती है। कार्बोहाइड्रेट में देखे हमारे यहाँ कार्बोहाइड्रेट की सबसे ज्यादा ये चीज है कि ये बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी है। बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी में क्या मतलब है कि हमारा तकरीबन 2/3 जो हम एनर्जी हासिल करते हैं, मोर देन हाफ जो एनर्जी है वो हम कार्बोहाइड्रेट से हम लोग हासिल करते हैं। कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन सी चीज शामिल है? राइस है, उसके अंदर वीट है, उसके अंदर पोटैटोज है, ये सारी चीजें उसके अंदर उसकी एग्जाम्पल्स में हम हासिल कर चीज शामिल है। कैलोरीज है तकरीबन 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जो होता होगा 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है। अगर हम इसको लेते हैं 1 ग्राम है कार्बोहाइड्रेट है तो इससे हमें कितनी एनर्जी मिलेगी? इससे मिलेगी 4 किलो कैलोरीज हम एनर्जी हासिल कर सकते हैं। तकरीबन आप इस अंदाजा लगा दें कि हम कितने कार्बोहाइड्रेट खाएंगे उससे हमें कितनी कैलोरी हम हासिल कर सकते हैं। अब इसके मुख्तलिफ किस्म कार्बोहाइड्रेट के मुख्तलिफ किस्म की फॉर्म्स हैं हम लोग यूज कर सकते हैं। मसलन माल्टोज है, लैक्टोज है, सुक्रोज है, स्टार्च है। ये स्टार्च जो होती है कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है और ये हम लोग हम अक्सर जो हमारी खुराक होती है उसमें यूज करते हैं। सबसे सिंपल जो कार्बोहाइड्रेट है वो है ग्लूकोज। ग्लूकोज सबसे सिंपल सिंपलेस्ट फॉर्म। तो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है कि ग्लूकोज। वो ग्लूकोज में क्या यूज करते हैं? ग्लूकोज का लोग इंटेक करेंगे तो ये डायरेक्ट हमारे जो सेल्स के पास जाती है सर में जाके और वो पहले एक्शन देते हैं, रिएक्शन करते हैं और हमें एनर्जी इंस्टेंट एनर्जी को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये था हमारा कार्बोहाइड्रेट। ये क्वेश्चन में एग्जाम्पल पे पूछ सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट को कौन कौन किस किस चीजों में कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है, कितनी एनर्जी इसके अंदर स्टोर होती है। दूसरा टॉपिक है कि लिपिड। ये मैंने लिपिड लिखा है। लिपिड जो होता है ये दो चीज से मिलकर बना होता है, दो इसमें मौजूद होती है। एक ग्लिसरॉल है उसके साथ जुड़ा होता है जी, ग्लिसरॉल के साथ फैटी एसिड। अब देखें ये जो फैटी एसिड है ये दो तरह के फॉर्म में है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। हमने ये दसवीं मात्रा में इसमें जाकर पढ़ेंगे कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड से क्या बना होता है। सैचुरेटेड होता है कि जिसके चारों पार्ट्स कार्बन के चारों पार्ट जो होते हैं ये फुलफिल होते हैं हाइड्रोजन के साथ, नो स्पेस उसमें स्पेस नहीं होती, इसको हम सैचुरेटेड कहते हैं। इन्हीं सैचुरेटेड फैटी एसिड हैव ऑल ऑफ देयर कार्बन एटम्स बॉन्डेड टू हाइड्रोजन एटम्स। इसका ऑपोजिट क्या है? अनसैचुरेटेड है। तो अनसैचुरेटेड में क्या है? उसके अंदर सारे के सारे जो बॉन्ड होते हैं कार्बन के वो सैचुरेटेड नहीं होते बल्कि उसके अंदर एम्प्टी भी होते हैं और यहां पर वो यूज होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा है कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और ये चीज याद रखना कि आपका जो स्मार्ट सिलेबस है जिसके कारण हम लोग कर रहे हैं, कल हमने डिस्कस किया था इसका थोड़ा सा हिस्सा और आज हम लोग इसके कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन फूड को शुरू किया है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन का कुछ हिस्सा
आज हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट हम इंशा डिपेंड का कुछ हिस्सा है प्रोटीन का और वाइटामिन का, जिसको हम डिस्कस करके इसको क्लोज करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह थर्ड लेक्चर होगा, उसमें हम लोग इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।